अलैकम आई होप यू आल आर फाइन लैंग्वेज सेट बी टू पार्ट थ्री इम्पोर्टेंट स्लाइड इसका बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है तो आज कल जो है रिसेंटली इन टू वीक्स में इन टू वीक्स में जो है ये ये ज़्यादातर स्लाइड्स आई हैं <coughs> अच्छा आपने इसमें बोलना कैसे इसमें आपकी जो टाइमिंग है वो टोटल थ्री मिनट्स होगी ठीक है ये वाला जो पोर्शन होता है ये थ्री मिनट से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है थ्री एंड हाफ मिनट या थ्री मिनट तक रहते हैं इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाता क्योंकि जा सी बात है स्लाइड है जो आपकी स्लाइड पे लिखा है आपने उसी पे ही कायम रहना है ठीक है आपने अपनी स्लाइड से हट के बात नहीं करनी वो जितना मर्ज़ी आपको ट्रैप करने की कोशिश करे आपने बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुननी इस पोर्शन को हम करते हैं कहते हैं अग्री और डिसएग्री ठीक है या तो इसमें हम अग्री करते हैं या फिर डिसएग्री करते हैं डिसएग्री उन चीज़ों को जिस जिसपे वो हमें ट्रैप करने की कोशिश कर रही होती है और अग्री उस चीज़ को जिस पर वो हमारे साथ मुतफिक हो सिमिलर हमारे आंसर्स जा रहे हो ठीक है अब पार्ट थ्री की जो स्लाइड हैं जो इन टू वीक्स में सबसे ज़्यादा रिपीट हुई हैं वो है एटीन बर्थडे ग्रेट आंट वाली जो स्लाइड है इसको अच्छे तरीके से कर लें फिर उसके बाद हम लैंग्वेज स्कूल इन द यू के इस स्लाइड को अच्छे से कर लें अच्छा फिर उसके बाद है कोर्स एट जू वाली इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें आफ्टर डैट डॉक्यूमेंट्री फिल्म फॉर स्कूल हंड्रेड एनिवर्सरी इसको अच्छे तरीके से रिपीट कर लें ये ज़्यादातर ये वाली जो स्लाइड्स हैं ये रिपीट में आ रही हैं फिर उसके बाद एक चीज़ का हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना है जो वो लोग पूछते हैं कि जी हमसे क्वेश्चनिंग की गई थी जब हमारे सामने ये स्लाइड आई थी क्वेश्चन वो तब करती है जब उसे पता होता है कि आपकी स्लाइड जो है वो फुली प्रिपेयर्ड नहीं है तो सो डैट्स वाई शी इज़ डूइंग क्रॉस क्वेश्चनिंग वो क्रॉस में ले जाती है फिर आपको उसी स्लाइड से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देती है जिसकी वजह से आपके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट होते हैं ठीक है तो अगर आप अपने फुल मार्क्स जाते हैं पार्ट थ्री में क्योंकि आपका पार्ट थ्री और पार्ट फोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप पार्ट थ्री में आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं फुल मार्क्स चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप पार्ट थ्री की इन स्लाइड को अच्छे तरीके से समझें कि इस बात का वो क्या कह रहा है वो एटीन बर्थडे है आंट की तो वो उसमें क्या करना चाह रही हैं वो उसमें उसके फेवरेट केक के बारे में प्रेजेंट के बारे में कोलेबोरेशन के बारे में किस किस चीज़ के बारे में वो बात हैं ठीक है अगर हम लैंग्वेज स्कूल इन द यू बात कर रहे हैं तो वो एक लैंग्वेज कोर्स uh, स्टार्ट करवाने लगे तो वो किस बारे में है क्या उसके uh, uh, होगा बच्चों के बारे में उसके तासरात के बारे में वो पूछते हैं ठीक है फिर कोर्स एड्ज हुआ है इसका क्या फ़ायदा होगा बच्चों को कैसा एक्सपीरियंस वो गेन करेंगे डॉक्यूमेंट्री फिल्म है वो स्कूल के बारे में वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे क्या क्या चीज़ें उन्हें चाहिए होंगी वो किससे मालूम लेंगे फिर उसके बाद पिक्चर्स कहाँ से लेंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर या रनर्स अप जो किस किस चीज़ को कौन कौन सी कैटेगरी को इन्वॉल्व किया जाएगा इन सब चीज़ों को आपको सोचने समझने की ज़रूरत है आफ्टर डैट आप अपनी जो है पार्ट थ्री में फुल मार्क्स ले सकते हैं ओके okay, जी थैंक यू सो मच